うん。<music> हमको हमारा हक दो हमारी डीवी करवाओ इस तरह के जो हाथ में हैंडआउट्स लेकर लोग आए हैं जंतर मंतर ये वो लोग हैं जो छह महीने से लगातार एफ सी आई से बाट जो रहे हैं कि कब उनको उनकी नौकरी पे ज्वाइनिंग मिलेगी लेकिन मिलती है तो सिर्फ तारीख तारीख और तारीख ये वो लोग हैं जो देश का भविष्य बन सकते हैं जो अपना भविष्य बना सकते हैं रोजगार की तलाश में है रोजगार की स्थिति कितनी दयनीय है इस देश के अंदर कि जब सब कुछ आप क्लियर कर लेते हो उसके बाद भी तो मिलती है सिर्फ तारीख मैं कुछ लोगों से बात करूंगा आपका नाम क्या है मेरा नाम सुनील कुमार है सुनील क्यों आ गए आप यहाँ पर क्यों हमको हमारा हक दो ऐसा कहना पड़ रहा है आपको क्या दिक्कत है आपको सर हमारी ना भर्ती 2017 की है ये और इसका टेस्ट 2022 में कंप्लीट हो गया था और नवंबर में हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया था कहाँ भर्ती थी क्या हरियाणा एफ सी की भर्ती थी और उसके साथ पंजाब हरियाणा सरकार में आता है के, कि से, केंद्र सेंटर गवर्नमेंट के सेंटर, के अंदर एफसीआई अच्छा जो फूड ऑफ इंडिया हाँ, मंत्री पीयूष गोयल के अंडर में आता है मंत्रालय अच्छा और इसके साथ साथ पंजाब की भर्ती थी उसका भी दिसंबर में रिजल्ट आ गया था कोई टेस्ट वेस्ट हुआ था कैसे कैसे टेस्ट जुलाई में हुआ था अच्छा और उसका अक्टूबर हमारा फिजिकल हो गया था और फाइनल रिजल्ट नवंबर में आ गया था हमारा और पंजाब का दिसंबर में आ गया था तो ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं अब ये क्या कर रहे हैं हमको बुला रहे हैं बोले आपका फाइल मंत्रालय ने रोक रखी है हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ मंत्रालय में जाते हैं तो वो हमको गोली दे के भेज देते हैं यहाँ पीयूष क्वार्टर जाते हैं एफ सी आई का तो वहाँ से हमको गोली दे के भेज देते हैं तारीख़ पे तारीख़ दे के हमको वापस भेज देते हैं ये एक ऐसा क्यों हो रहा है जब देश में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो रोज़गार पर ध्यान दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने की बात हो रही है तो आप लोगों की ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है क्या इसमें मिनिस्ट्री लेवल पे दिक्कत है या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे दिक्कत है? एडमिनिस्ट्रेट लेवल पे भी दिक्कत है और मिनिस्ट्री लेवल पे भी है जो एफ सी आई है आज हम वहीं से भी आए थे आज ऐसा नहीं है कि आज हम स्पेशली आए स्पेशली नहीं ऐसा हर बार हर मंथ में हर एक डेट हमें मिलती है और हर डेट के ऊपर हम आते हैं पहले हम सत्रह तारीख़ को आए सत्रह अप्रैल को और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक लेवल एक स्टेट एक डिस्ट्रिक्ट से आए हो ये अदर अदर सेंट्रल लेवल की पोस्ट है तो सेंट्रल लेवल पे जितने भी स्टेट आते हैं वो अदर अदर स्टेट से अदर अदर डिस्ट्रिक्ट से अपने यहाँ अपने हक के लिए आए थे सत्रह तारीख को भी हम कुछ बच्चे इकट्ठे हुए थे कितने बच्चे हैं टोटल टोटल आठ वैकेंसी है पंजाब पंजाब की अब से पंजाब की और 380 सौ अस्सी विकेंसी है हरियाणा मतलब हजार से ऊपर लोग हाँ जी बारह सौ बारह सौ बारह सौ चालीस बच्चे कुछ बनते हैं टोटल अच्छा जिनका अभी सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट जो गवर्नमेंट के तहत जो प्रोसेस होता है जैसे टेस्ट का फिजिकल का उसके बाद तो मेडिकल का मेडिकल भी इन्होंने फिजिकल में पहले ही अटेम्प्ट करवा था कि अब मेडिकल साथ लेके आए हमने वो भी दे दिया उसके बाद में हमारा फिजिकल हुआ फिजिकल हमारा सब बच्चों का क्लियर हो, हो चुका है और उसके बाद मेरिट लिस्ट आई जिसको अगर मैं आपको दिखाना मेरिट लिस्ट दिखाने दिखाना चाहूँ अच्छा मेरिट भी निकाली कितने बच्चों ने टोटल एग्जाम दिया होगा टोटल जो एक बट्टा तीन बच्चों ने एग्जाम दिया था हाँ। मतलब जो शुरू में था, हुआ था वो एक सड़सठ हजार बच्चों ने एग्जाम दिया था सड़सठ हजार हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि पचास हजार साठ हजार सड़सठ हजार बोल रहे हो मतलब हाँ। सत्तर हजार के करीब लोग अपियर हुए और उसमें से उसमें से हजार लोग सिलेक्ट हुए हजार बारह लोग उसमें से तीन गुना बच्चों को इसके फिजिकल के लिए बुलाया गया उसके बाद हमारा फिजिकल हुआ अक्टूबर में अक्टूबर में फिजिकल के बाद हमारा नवम्बर में रिजल्ट आ गया हरियाणा का हरियाणा उसके बाद लगातार हमें अंधेरे में रखा जा रहा है उसके बाद ना ही तो हमारी ये, ये 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 कर क्या क्या रहे हैं ये ये अगर मतलब तो ठेकेदारी वाला सिस्टम चलने लग गया इसमें रहा? दो दो ऑप्शन चल रहे हैं जी एक तो पहला ये है कि इसको आउटसोर्स से कर रहे हैं मतलब नौकरियां खत्म मतलब इसको आउटसोर्स करने का मतलब ये जो वॉचमैन की है इसको अबोलिश कर रहे हैं इस वैकेंसी को अबोलिश कर रहे हैं जिसमें कि करके आउटसोर्स इसी भी कैंसर को तो दोबारा लिया जा रहा है सारे लोगों का टेस्ट क्यों ले लिया क्यों परेशान किया उनको क्यों बुलाया ये समझ में नहीं आता लेकिन ये देखो जी एफ सी ने अभी टेस्ट भी लिया सब कुछ लिया है उस टाइम पे हर किसी को उम्मीद थी कि आपकी ज्वाइनिंग होगी लेकिन अब मंत्रालय ले, तो अब इतने निचले स्तर की नौकरी के लिए भी अगर इतनी जद्दोजहद चौकीदार की नौकरी के लिए तो और क्या हालात होगा कुछ और कैरियर ऑप्शन नहीं है क्या आपके पास या फिर आप मतलब क्या लगता है आप कैरियर ऑप्शन तो है लेकिन एक उम्र की भी तो एज होती है जो हमारी निकलती जा रही है इफ ट्वेंटी फाइव तक ट्वेंटी सिक्स तक हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे वो हमारी जा चुकी है अच्छा। क्या हम दोबारा इस ऑप्शन पर आ सकते हैं नहीं आ सकते सर अब ऐसी बहुत सी पोस्टें हैं जिनकी हमारी उम्र निकल चुकी है अब कोई क्रिटिकल एरिया से को देखा जाए क्रिटिकल पोस्ट कोई ऐसी आएगी हरियाणा या सेंटर की जो भी आएगी जिसमें एज को थोड़ा बढ़ाया जाएगा अच्छा जिसमें एज का रिलेक्शन थोड़ा कुछ मिलेगा एज एज के लिए रिकॉर्डिंग लेकिन अब जिसकी एज निकल चुकी है क्या उसको दोबारा अब लिया जाएगा सर कुछ अपील करना चाहेंगे मोदी जी क्योंकि मोदी जी लगातार ये कह रहे हैं कि भाई वो कुछ लोगों को उन्होंने अपने हाथ से चिट्ठी वो भी ज्वाइनिंग लेटर भी दिए तो उनसे कुछ अपने सरासर गलत है सर मोदी मोदी जी जैसे आप बता रहे हो कि मोदी जी भी चारे रोजगार युवाओं को रोजगार मिले लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो रहा जी कहीं ना कहीं कुछ गैप है वो गैप क्या है कि मोदी चाहे मोदी खुद कह रहा है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले लेकिन युवाओं को रोजगार तो नहीं मिला युवा तो रोड पर आ रहे हैं आप कुछ कहना चाहेंगे हाँ सर हमारी फाइनल ज्वाइनिंग जौ, बाकी है हमें और कुछ नहीं करना यहाँ पे आगे बस हमारी ज्वाइनिंग दे दी सरकार से बस हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी ज्वाइनिंग दे दे हाँ जी मोदी जी को भी हमने अपील की थी ऑनलाइन के माध्यम से उसका भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आया वो भी बोला कि भर्ती प्रोसेस में चल रही है हमने पीयूष गोयल को भी ईमेल किया है लेटर लिखे हैं मोदी को सांसद को ने भी लेटर लिखा है एफसीआई को वो कौन सांसद हैं आप वो ये भिवानी भीवान, भी। भिवानी और महेंद्रगढ़ के सांसद हैं धर्मवीर सिंह जी नाम उनका और उनके महल पे गए थे हम आवास जहाँ पे वो रहते हैं तो वहाँ से उनसे बात हुई थी और उन्होंने फिर ऊपर बात की थी सी एम इनसे बात करी थी और यहाँ तक कि पीयूष गोयल जी हैं जो इस महकमे को जो देख रहे हैं अभी उसके उनके पास भी बाकायदा मेल की गई है लेकिन मेल का भी कोई रिवर्ट नहीं आया उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए और हमने भी पीयूष गोयल जी से मिलने के लिए उनके पास में मेल करी तो मेल का भी रिवर्ट नहीं आया देखिए कितने नाजुक हालात हैं कि लोगों को बुलाया जाता है नौकरी के लिए टेस्ट देते हैं क्वालिफाई करते हैं सपना देखते हैं लेकिन बाद में अचानक ही बिजली गिरती है और फिर ज्वाइनिंग नहीं कराई जाती अब ये का छोड़ा जा रहा है खबर आ रही है कि सब कुछ जो निचले स्तर की भर्तियां हैं वो ठेकेदारों के हवाले कर दी जाएंगी ठेकेदार क्या करते हैं सरकार से तो पैसा पूरा मिलता है उनको लेकिन वो जो भर्ती करते हैं उनमें उनका करते हैं शोषण और बीच में कमीशन खोरी होती है ये देश के हालात हैं आपको क्या लगता है कि सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इनको क्योंकि जॉइनिंग अगर इनका सब कुछ टेस्ट वेस्ट पूरा हो गया तो हमें लगता है इनकी जॉइनिंग तो करानी ही चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर कोई हायर अथॉरिटी सुन रही है मोदी जी आप सुन रहे हैं तो कृपया इन बच्चों पर ध्यान दीजिए बारह के करीब बच्चे हैं इनके करियर का सवाल है इनको इनका रोज़गार मिले जय हिंद जय भारत मिनी संसद के लिए मैं मनु सरा जी